नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप आम पापड़ तो बहुत बार खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आंवला पापड़ शायद ही कभी आप खाए हो या बनाए हो। तो आज हम बनाएंगे आंवला पापड़, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होगा। और आंवला पापड़ हम बनाएंगे आंवले के मुरब्बे से, जो चाशनी बच जाती है उससे। खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने देखिए आंवला लिया है और आंवले के मुरब्बे का चाशनी लिया है। तो आप चाहे तो गुड़ वाले आंवले के मुरब्बे का चाशनी ले सकते हैं या चीनी वाले का। मैंने दोनों तरह का मुरब्बा डाल के रखा है चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। मैं दोनों तरह के मुरब्बे का वीडियो इंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आंवले को बॉयल कर लेंगे और उसको छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। मैंने आंवला बॉयल कर लिया है, तो इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे इस तरह से करके, और एक मिक्सी जार में डालेंगे। इसका बीज देखिए कितनी आसानी से अलग हो जा रहा है। सारा आंवला तोड़ के हम पहले मिक्सी जार में रख लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे और गैस फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के, वही वाला पानी है जिसमें हम आंवला बॉयल किए हैं, इसमें डाल देंगे। ये चाशनी भी हम इसी में डाल देंगे। ये मेरा पिछले साल का मुरब्बा था, उसकी चाशनी है। इस साल का मुरब्बा अभी मेरा रखा हुआ है, इसको चला देंगे ऐसे। चाशनी इसमें आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही मीठा रखिए, क्योंकि आंवले में कसैलापन होता है, तो मीठा रहेगा तो कसैलापन कम हो जाएगा। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाने देंगे। इसको अभी और ज्यादा गाढ़ा करेंगे। और इसमें मीठा कम लग रहा था तो मैंने एक बाउल चाशनी इसमें और डाला है, और ये मैंने गुड़ वाले मुरब्बे का चाशनी लिया था तो इसलिए काला लग रहा है। आप अगर चीनी वाले मुरब्बे का चाशनी लेंगे तो काला नहीं रहेगा वो। इसमें हम थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे ताकि कसैलापन इसका थोड़ा कम हो जाए। ये देखिए ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। बाकी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम मुरब्बा बनाते समय इसमें काली मिर्च, काला नमक और सोड डाले थे, तो वो सब बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि चाशनी में पहले से पड़ा हुआ है वो सब चीज। इसको अभी हम और ज्यादा गाढ़ा करेंगे। अच्छी तरीके से देखिए गाढ़ा हो गया है, ये देखिए कढ़ाई ऐसे छोड़ दे रहा है। तो अब हम इसको एक ट्रे में फैलाएंगे। ट्रे में मैंने घी लगा लिया है, तो इसी ट्रे में इसको हम डालेंगे ऐसे। और इसको फैला देंगे। पतला मोटा आप अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन पतला रहेगा तो जल्दी से सूख जाएगा, मोटा रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको अच्छे से ऐसे फैला देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पतला फैला दिया है। ये 1 से 2 दिन के धूप में अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो मैं आपको 2 दिन के बाद फिर दिखाती हूँ इसको सुखा के। ये देखिए आंवला पापड़ सूख चुका है, और मैंने इसको 2 दिन के लिए धूप में रखा था, तो 2 दिन में अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से करके। आप अपने पसंद अनुसार साइज में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ये खट्टा मीठा चटपटा लगेगा। और आंवले का है, गुड़ की चाशनी इसमें पड़ी है तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। इस तरह से करके हम इसको निकाल लेंगे, और ये बहुत आसानी से निकल जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रे में हम घी लगाए थे। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जा रहा है। तो ये देखिए आंवला पापड़ बनके तैयार हो गया, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इस तरह से अगर आपकी भी गुड़ की चाशनी या चीनी की चाशनी बचती है तो आप इस तरह से आंवला पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसको आप मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो 3 से 4 दिन लग सकता है इसको सूखने में। मैंने पतला रखा था इसलिए 2 दिन में ही अच्छी तरीके से सूख गया है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है।
मुंह में डालने पे तुरंत ही गल जाएगा। तो इस तरह से आंवला पापड़ आप भी बनाइए। इसकी आप चाहें तो खट्टी मीठी चटनी भी बना सकते हैं, या ऐसे ही आपका मन कर रहा है तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो आम पापड़ तो आप बहुत बार खाए होंगे, एक बार आप आंवला पापड़ बना के भी खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये आंवला पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।